हेलो डियर स्टूडेंट, वीडियो फॉर अपलोडिंग। आज जो है पहला वीडियो हम बना रहे हैं, जो आज हम पढ़ाएंगे आपको पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल आप नाइन्थ में है, टेंथ में है, एट क्लास में है, इलेवेंथ में, बड़ी बात ही है, बट आपका बेसिक चीज है पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल आपको बहुत अच्छा से समझ में आता है तो आपको एलजेब्रा का 50% से ज्यादा क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग पॉलिनोमियल को एकदम उसका जड़ से लेकर के उसका माथा के बाल तक पढ़ेंगे, ठीक। आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, एकदम पलमुआ लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, देखना कैसे पढ़ाते हैं। स्टार्ट करते हैं आपको हम, पॉलिनोमियल क्या है भाई लोग? पॉलिनोमियल आप लोग एलजेब्रा जानते ही हैं क्या होता है। एलजेब्रा मतलब सीधा सीधा समझना है कि उसमें कॉन्स्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म्स, बोला जाए तो न्यूमेरिकल टर्म और वेरिएबल टर्म दोनों एक साथ मिलकर के जब एक नया चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो वो आपका क्या है? एलजेब्रा। जैसे आप देखते हैं कि शादी ब्याह में बाराती और सराती दोनों मिल गया, तब देखते हो कि इंजॉय का अलग अलग होता है, तो उसी टाइप से है आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा में जो मुख्य चीज आप लोग पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, सो एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। ये बोलता क्या है कि कोई एक एलजेब्रा है, एलजेब्रा में आपको बताया गया कि एक वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब कुछ सीधा साधा है, समझ लीजिए सीधा सीधी कि आप लोग सुने होंगे नाम कोहरी का देवता, उसको कुछ आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल को आप उठा के दूसरे जगह रख दीजिए, उसके बदल किसी को चेंज कर दीजिए, तो उसी टाइप से आपका पॉलिनोमियल में जो होता है बोला वो कि वेरिएबल जो रहेगा उसका पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर आप लोग जानते हैं कि नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, उसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये बोलता क्या है कि हमको सिर्फ चाहिए तो कौन चाहिए? नॉन नेगेटिव चाहिए, ठीक। तो नॉन नेगेटिव चाहिए तो कैसे होगा भाई? तो देखो एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे 2x^3 है, देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब परहेज यही करना है कि वेरिएबल का पावर हमेशा जो होता है नेचुरल नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक। नॉन नेगेटिव का मतलब यही हुआ, देखिए परहेज क्या क्या करना है, देखो परहेज यही करना आपको कि उसका पावर जो होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए? नहीं, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना चीज नहीं होना चाहिए। मतलब हमेशा क्या चाहिए? लड़का एकदम शुद्ध, हमेशा पावर क्या होना चाहिए? एकदम शुद्ध नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, उसमें कुछ नहीं छाता ओढ़ ले वैसा चीज नहीं, मतलब कि उसमें रूट वगैरह नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखिए नेचुरल नंबर है शुद्ध, एकदम 3 है 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी टाइप से है, x^2 है मान लीजिए, 3x है मान लीजिए 5, इसमें आप खुद से सोचिए इसका भी पावर क्या है? 4 है, इसका भी पावर 1 है, 1, 4 ये सब क्या है चीज, जितना भी है ये आपका एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि अगर एक दोस्त है इसके साथ एक और दोस्त है, एक और लड़ गया, तो तीनों का देखना है कि तीनों परहेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एक बदमाश निकल गया तो समझ लो कि सब बदमाश निकल जाएगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, ये आपका पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। अगर एक इक्वेशन है 2x^3 है, 2 है, x^-2 है, मान लो 5 है, अब कोई बोलेगा कि पॉलिनोमियल है या नहीं है? एक दोस्त तो परहेज किया कि पावर एकदम नेचुरल नंबर रखा,
कोई इसमें नेगेटिव वगैरह नहीं है। दूसर का दोस्त देख रहा हूँ पावर नेगेटिव में कर लिया, तीसर का तो कॉन्स्टेंट है बेचारा चेंज नहीं करेगा, तो ई क्या हो गया आपका पॉलीनोमियल नहीं हुआ, सब करल भरल बेकार हो गया। सुनाया कैसे करल भरल बेकार हुआ, तो इसका पावर देखो नेगेटिव कर दिया। ये पॉलीनोमियल बोलता है कि हमको पावर हमेशा क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, मतलब कि हमेशा क्या होना चाहिए एकदम शुद्ध लेकर होना चाहिए, उसको में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो गया तो गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नहीं हुआ पॉलीनोमियल नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और भी है, मान लीजिए कि x टू द पावर 3 है प्लस है मान लो 1 टू द पावर 1 बाय x टू द पावर 2 है प्लस मान लो 3 है। ठीक है, तो ऐसा देखना है कि हमेशा देखो गोल हाथ नीचे ऊपर नहीं देखना है, हमेशा ऊपर देखना है। ये देखो नीचे है, इसको ऊपर उठा के ले जाओ, उठा के ले लोगे तो क्या होगा 2x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया, फिर परहेज नहीं किया वो गलत हो गया। ठीक, क्योंकि आप लोग पहले पढ़े होंगे कि a टू द पावर m है, अगर बाय द वे इसको कोई नीचे लाएगा तो बोलेगा कि हम पॉजिटिव में नहीं रहेंगे, नेगेटिव हो जाएगा। अगर कोई नीचे है, अगर कोई ऊपर गया तो a टू द पावर m हो जाएगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको नीचे से ऊपर पहले ले जाना है, हमेशा जो है न्यूमरेटर फॉर्म में देखना है वेरिएबल को, डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं देखना है। ठीक, इसी तरीका से और भी एग्जांपल है, x टू द पावर 3 है मान लो 5 है बट 0 है, इसको कोई बोलेगा कि पॉलीनोमियल है तो यस, हमेशा किसका देखना है वेरिएबल का देखना है। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं कि कांस्टेंट में देख लिया कि माइनस है, तो हमको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, हमेशा किससे मतलब है वेरिएबल से मतलब है, वेरिएबल समझ में आता है ना, लेकिन बड़ी चेंज करता है एक आधो, तो ऐसा ऐसा चीज देखना है कि सही है कि नहीं है। ठीक है, और भी देखो क्वेश्चंस, रूट 2x है प्लस 3 है, देखिए ये रूट जो है ये जो छाता हो रहा है स्टेप हो रहा है सिर्फ कांस्टेंट टर्म 2 हो रहा है, इस पे नहीं है तो ये भी है, लेकिन ये भी क्वेश्चंस अगर कोई ऐसे देगा रूट 2x प्लस 3 तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बाबू, क्योंकि देखो रूट का मतलब होता है उसका पावर हाफ, यानी कि हाफ पावर यानी कि 2x टू द पावर कितना हो जाएगा 1/2, तो देखो ये बगलगीर है इसका, ये तो आपने पहले किया लेकिन बगलगीरो को ले चला गया, मतलब x का भी पावर हाफ कर दिया। अब पॉलीनोमियल बोला कि हम वैसा रहे वैसा नहीं हो सकते, जब भी होंगे तो हम नेचुरल नंबर में होंगे एकदम सीधा सदा होंगे, तो ये भी क्या हुआ आपका पॉलीनोमियल नहीं हो गया। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख के बता रहा हूं, मान लो 3 है x टू द पावर 2 है माइनस है 4/3 है x है, देखो इसमें क्या है कांस्टेंट टर्म में कुछ भी गुजर जाए, वो मार पिटा रहा है लेकिन खेत खा रहा है किसी का, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है हमको वेरिएबल से वेरिएबल का पावर से। सही है, देखो क्या नेचुरल नंबर में ये भी नेचुरल नंबर में नॉन नेगेटिव है तो ये भी आपका है। अगर कोई क्वेश्चन दिया मान लो x टू द पावर 2/3 है प्लस में 4x2 है, तो देखो वेरिएबल है वेरिएबल का पावर क्या हो गया फ्रैक्शन हो गया, ये भी गलत हो गया आपका। ठीक, ये भी नहीं है, ये पॉलीनोमियल है। फिर देखो जैसे 3/2 है x टू द पावर -3 है प्लस में मान लो 4x है, देखो माइनस ले लिया ये भी गलत हो गया। ठीक, अब देखिए एक और बहुत अच्छा सुपर डुपर एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे 2/3 है x का पावर 3 है यहाँ पे x है प्लस मान लो 4x है, तो देखो इन लोग दोनों कुछ ना कुछ मारपीट कर लिया, ठीक है चला इसको डिवाइड कर रहा है ये 3 हुआ ये बोल रहा है, तो बोलेगा कि जा तो ये वो कट जाओ ती चल गया कट करके ये वो तो बच गया ये तो वो, और देखो इतना इसको चाहा कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे पॉलीनोमियल नहीं बना देंगे, लेकिन कट करके देखा गया तो क्या था पावर हाफ। और भी है जैसे देखिए 2 है x का पावर मान लो 3/2 है ऊपर नीचे मान लो x है प्लस 2x है, ठीक है इसको चेक करते हैं तो वन इसको सब्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है तो 2x की पावर 3/2 माइनस इसका पावर 1 है तो सिंपल है कि 1 हो जाएगा, अब प्लस में क्या होगा 2x होगा, इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 2x की पावर देखो 3/2 में से 1 जाएगा, ठीक है तो सब्सट्रैक्ट होगा तो 3/2 माइनस इसका एलसीएम ले लो समझने के लिए
तो 2 हो जाएगा प्लस में 2x हो जाएगा, सबट्रैक्ट करेंगे इसको 2x हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है प्लस 2x। इसका देखो कॉमन क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ये क्या हो गया आपका गलत हो गया, ये भी नहीं है, ठीक है। इस टाइप से हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब ये दिक्कत है तो देखिए एक और होगा और क्वेश्चन समझ लीजिए। 2/3 है रूट एक्स है बाबू, इधर मान लो रूट क्यूब है प्लस 2 है, तो देखो 2/3 इस रूट और इस रूट को हम लोग कट नहीं कर सकते हैं, ये देखो ये छाता हो रहा है लेकिन ये ज्यादा छाता हो गया, जैसे कि आप लोग पहले पढ़े होंगे वही पढ़ा है। तो देखो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, हाफ पॉलीनोमियल अगर मतलब लग गया तो इसका होगा, अगर ये है मान लो पावर यहाँ पे 3 है तो क्या होगा 3, देखो यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है तो 2 को सब कोई अंडरस्टूड समझता है, ठीक है, तो छुपा हुआ चीज को निकाल दिया गया वहां पे, ठीक। अब देखो यहाँ 3 अगर लिखाया तो ये क्या होगा a, ठीक है, देखो 3 छिपा हुआ है तो 1 ऊपर क्योंकि पावर 1 था, यहाँ भी पावर 1 है इसलिए 1 लिखा जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/3 पावर। अगर यही मान लो 5 है और पावर अगर मान लो ये है तो सिंपल सा है कि a टू द पावर क्या हो जाएगा, इसका 1 है तो 1 ऊपर में और नीचे में पावर क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब देखिए अगर इसी तरीका से अगर n है तो a का पावर जो होगा 1/n हो जाएगा, ठीक है। अब कोई बोलेगा आपसे कि इसको तो स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसको क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है, इसको 5 रूट बोलते हैं, इसको नाम आखिर क्या है, ठीक है। जैसे कोई आदमी समझ लो कुछ काम करता है, ठीक है, वो नया चीज आता है घर में तो उसका नाम होता है कुछ, ठीक। और कभी कभी अगर बढ़िया नया चीज आ गया तो समझ लो गीतों का बताया है, तो गीत मत गाना, यहाँ पे गाना गाना लेता है तुम लोग। देखो एन है, एन का बोलेगा इसको बोला जाता है सर, क्या बोला जाता है जी सर, माने की करनी, करनी नाम है इसका, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट, मैं वर्ग रूट, ठीक है वर्ग रूट। अब हम लोग आगे समझते हैं इसमें क्या होता है। देखो एक्स का पावर 1/2 है और यहाँ पे एक्स का पावर क्या है 1/3 है और प्लस 2 है, ए 2/3 एक्स का पावर देखो आधा रुपये में इतना घट जाएगा, देखो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 2 तो 2/3 एक्स का पावर देखो इसका एलसीएम अगर ले लो एलसीएम 6 होगा बाबू, यहाँ पे 3 हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा 1/6 हो जाएगा और प्लस में 2। सीधा सीधा चेक कर लिए हम लोग कि कोई फायदा नहीं है इतना डूबी ड्रामा बतियाने से, क्योंकि इसका पावर हमेशा क्या हो गया फ्रैक्शन ही हो गया, तो ए भी पॉलीनोमियल नहीं हुआ। चलो इतना तो आपको समझ में आ ही गया है। अब हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं कि इसका क्या बाल बुतरू है, ठीक है, अब कैसे कैसे बाल बुतरू है। देखो बाल बुतरू इसका कैसे हम दिखाई कर रहे हैं सो एकदम समझ में आएगा सुपर डुपर। एक कहावत है कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होते, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होते, तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, कौन कहता है मेहनत करने से मुकाम नहीं मिलता है, ठीक है, मेहनत करोगे तो जमीन पर गिरे हो तो सीधे आसमान में पहुंच जाएंगे, ठीक है, सांस रखने रहना न तो भगवान आओ कर बुला लेंगे, ठीक है। देखो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं टाइप्स, देखो किसी भी चीज को अगर क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ बेस होता है, ठीक है। जैसे देखो लड़का लड़की को डिवाइड किया जाता है तो लोग का अलग अलग सिस्टम है, तो इसी तरीका से जो होता है किसी भी चीज को क्लासिफिकेशन से अगर किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होता है, ठीक। तो पॉलीनोमियल बोला ना कि हमारे साथ दो गो कंडीशन है, अगर कोई टर्म बढ़ाएगा मैंने उसका पद अगर है तो पद के अनुसार बांटा, अब एक बार से जो था बोला कि अगर किसी का पावर है तो पावर के अनुसार बांटेंगे, ठीक। जैसे देखो अगर सिंगल स्टार होता है तो कॉन्स्टेबल, अगर दो तीन गो स्टार लग गया तो समझ ही रहो दरोगा ऐसे कैसे बन जाता है। तो उसी तरीका से ही बताया कि हम बांट रहे हैं तो बांट कैसे रहे हैं, ये बोला कि पहला चीज बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफटर्म,
टर्म, जय को टर्म होगा उससे नाम देगा, ये को चीज दूसरा का बोला एक और कंडीशन देंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या पावर या एक्सपोनेंट्स, तीन को नाम है ठीक है। अब इस तीनों नाम पर देखो इसको बांटा है, तो बांटा है तो भाई देखो कैसे बांटा है। हम लोग पहले समझते हैं दोनों के एक टेबल बनाते हैं कैसे कैसे नाम रहेगा ठीक है। टर्म माने कि एक कॉल, टर्म को हिंदी में बोला जाता है बाबू कॉल ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए है कॉल के आधार पर। और एक होता है घात, घात समझ में आता है ना, पावर डिग्री घात के आधार पर ठीक है। इतना के अनुसार हम लोग आगे चलते हैं ठीक। देखो पहले हम लोग इसको चल रहे हैं क्या नाम होगा इस पे, दोनों पे, दोनों का हम एक टेबल में आपको बनाएंगे और टेबल में तो हम तुरंत समझ जा रहा है कोई लेट नहीं कर रहा है। चलिए देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, कितना टर्म रहेगा तो उसका क्या नाम होगा ठीक है, और उसका नेम हो जाएगा क्या नाम होगा उसका, पहला चीज। दूसरा का ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कैसे समझ समझेंगे डिग्री, अब उसका नाम क्या हो जाएगा ये समझते हैं। चलो इतना बात हो गई है ठीक है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म मतलब कि एक अगर लड़का है ठीक है, देख लौटा बोलते हैं उसी तरीका से इसमें है, अगर एक टर्म है, एक टर्म है बाबू, तब देखो क्या होगा, एक टर्म का नाम होता है मोनोमियल, मोनोमियल ठीक है। देखो एग्जांपल के लिए है जैसे 2x 3x हो जाएगा, मान लो 4 है x का पावर 0 है, यदि पॉलीनोमियल होता है 0 पॉलीनोमियल से बोला जाता है। तो एक एक टर्म अगर दो टर्म हो गया तो देखो इसमें दो को भाई अलग रहेगा, दो आदमी रहेगा तो उसका नाम होता है बायनोमियल, बायनोमियल जैसे 2x प्लस 3 है, देखो सेपरेट किया दो टर्म, इसी तरीका से 4x प्लस 5 है, मान लो 9x है माइनस 5 है, चलो 9 बाई 2 है x है प्लस 3 है, ये सब आपका क्या है दो दो टर्म का चीज है, दो टर्म का आदमी मतलब देखो दो टर्म का आदमी रहेगा उसका क्या हो जाएगा नाम बायनोमियल ठीक है। उसी तरीका से आपका होता है ट्राइनोमियल, आगे देखिए बढ़ते हैं हम लोग। तीन टर्म हो गया, तीन गो बतिया हो गए, एक गो बतिया का नाम हो गया, दो बतिया का नाम हो गया, तीन गो बतिया वाला नाम हो रहा है, तीन को हो जाएगा किसका नाम हो जाएगा ट्राइनोमियल, क्या नाम हो जाएगा इसका ट्राइनोमियल। जैसे 2x प्लस मान लो y है प्लस 3 है, 1 2 3 तीन बार भी है, उसी तरीके से मान लो 4x प्लस मान लो 5x है प्लस 2 है, ठीक ट्राइनोमियल होगा ही नहीं, क्या ही होगा, ये देखो दोनों आप भाई था दोनों सलाह किया आपने में सलाह किया तो 9x प्लस 2 दो टर्म का हो गया, ये तो है ही नहीं ट्राइनोमियल ठीक। अब देखो आगे मान लो 1 2 3 टर्म है, इसका भी नाम क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल हो जाएगा ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एक ही जगह
देखो डिग्री में क्या होगा, अगर सिंगल स्टार लगा रहेगा, क्या रहेगा, सिंगल स्टार लगा रहेगा तब हम लोग समझेंगे कि उसका क्या नाम होगा, डबल स्टार लगेगा तब क्या नाम होगा, ट्रिपल स्टार होगा तब क्या नाम होगा। तो देखो डिग्री अगर किसी का वन है, पावर कितना वन, तो पहला नंबर देखिए अभी हम बता दे रहे हैं आपको टाइप्स, डिग्री होता है डायरेक्ट, लेकिन आपको डिग्री कैसे जानेंगे कि कितना डिग्री का कौन है, कैसे होता है आपको एकदम सिंपल सिंपल नहीं, हम बहुत टफ चीज पढ़ाएंगे उसमें, एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, लेवल एकदम उठाएंगे, इतना बढ़िया से उठाएंगे ना कि आप फिर डिग्री में ऐसा में आपको कहीं नहीं जाना है, आप आरबी शर्मा हो गया, एनसीईआरटी, आरएस सवाल, अरिहंत, कोनो बुक बनाना एकदम बनेगा फ्रेश। अब ऐसा नहीं है आप खाली पढ़ लोगे तो समझ लो कि स्टूडेंट नहीं रहोगे, तुम टीचर बन जाओगे, मेरा पढ़ाई में ये खासियत है, पढ़ोगे हमसे लेकिन टीचर बन जाओगे तुम, समझ गए, हमारा ज्यादा नहीं बुझाएगा, तुम ही ज्यादा बुझाएगा, ऐसा कंडीशन आएगा, ठीक है। अभी पढ़ रहे हैं देखो, अगर एक डिग्री है तो उसका नाम होता है लीनियर, क्या होता है लीनियर। दो डिग्री है, अब सबसे समस्या है कि डिग्री कैसे पहचानेंगे, तो सिखाएंगे अभी भी है, चलो इसका एग्जांपल यहाँ हम लोग लिखते हैं, जैसे देखो टू एक्स का पावर वन है, ये कितना भी आदमी हो जाएगा ना, दो गो टर्म हो जाए, तीन चाहे टर्म चाहे पांच टर्म, उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ उसका डिग्री से मतलब है, ठीक है। पुलिस को जान रहे हो ना कि अगर मान लो दस को कॉन्स्टेबल है तो सबको कॉन्स्टेबल ना बोलेंगे जी, एक आदमी एक पुलिस रहेगा तो उसको भी कॉन्स्टेबल बोलेंगे, अगर सौ को है तब उसका बोलेंगे कॉन्स्टेबल बोलेंगे, ठीक है। तो उसी तरीका से यहाँ भी है कि टर्म कितना हो जाए उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि उसका पावर कितना है, समझ में आया, ठीक। देखो हो गया एक डिग्री का था, इसके बाद जो होता है दूसरा डिग्री भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक। देखो इसका पावर टू होगा, लीनियर था इसका वन, पावर टू हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ, जैसे देखो टू एक्स का पावर टू प्लस थ्री एक्स है मान लो प्लस टू है, ये सब क्या है आपका क्वाड्रेटिक है, ठीक। इसके बाद देखो थ्री डिग्री का है, थ्री डी ऑफ डिग्री होगा मतलब तीन को होगा, एक को बेटा हुआ तो नाम रखा लीनियर, दो को बेटा हुआ तो नाम रख देगा क्वाड्रेटिक, तीन को बेटा हुआ तो इसका नाम उसमें जानता होगा। देखो क्वाड्रेटिक, एक को बेटा होगा ना उसका लीनियर नाम रख देगा, दो को बेटा अगर हो गया दो को बेटा मतलब पावर देखना दूसरा चीज मत देखना, अभी मान लो इतना साल कोई भी करेगा इतना जल्दी नहीं करना है। देखो थ्री है तो इसका होता है नाम क्यूबिक, क्यूबिक पॉलीनोमियल मतलब पावर थ्री होगा, क्यूबिक लग गया बाबू। तो देखो टू एक्स क्यूब प्लस मान लो फोर एक्स है, तो इसमें टर्म से कोई मतलब नहीं है, एक वो दो वो पांच वो दस वो पच्चीस वो सौ उससे कितना भी हो जाए उससे मतलब नहीं हमको, ठीक है, मतलब है कि उसका पावर कितना है, ठीक। अगर चार पावर हुआ मान लो चार पावर हो गया तो उसको बोलते हैं बाई, बाई मेरे दो को, अब क्वाड्रेटिक नाम हो गया दो को, तो दो दुना के चार हो, समझ गया, दो को बबुआ दो को बबनी मिला जुला के चार हो, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक इसका पावर हो जाएगा एक्स का पावर फोर मतलब थ्री एक्स क्यूब है प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, इतना चीज हुआ आपका, ठीक। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक समझा रहे हैं आपको जो बेहद काम आएगा, ठीक है, बेहद काम यह आएगा कि आपको ये समझना है इसमें कि आखिर हम लोग टर्म कैसे पहचानेंगे और डिग्री कैसे पहचानेंगे, और टर्म और डिग्री तो इतना बढ़िया से समझा देंगे कि आप बोलोगे कि वाह क्या बात है, नजर से देख रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा हो जाएगा बात, विश्वास कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, तब तक ले आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए और हमारे कमेंट्स में जो है आप लोग लिखेंगे जो भी आपको परेशानी होगा हम आगे बताएंगे, और देखिए आपको ये तो इंग्लिश लैंग्वेज में बोले हैं इसका हिंदी भी बनाएंगे, ठीक है, इसलिए आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को भी, और आप कमेंट्स में जो लिखना हो जो पढ़ना है आप आराम से लिखिएगा, ठीक है। आपको सब्जेक्ट में देखिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब चीज चार सब्जेक्ट के लिए आपको हम
पूरा पढ़ाएंगे और बेहद पढ़ाएंगे, ठीक है? तब तक ले बाय।